अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है बात करेंगे कंप्यूटर, आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पर आप गेम भी खेल सकते हैं, इस पर आप जो है वो ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, इस पर आप और फ़न की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे आप बहुत कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकता है, जो कि इस बुक में आपको सिखाया है। कोटिंग, कोटिंग इससे पहले आपको कभी नहीं पढ़ाई गई और ना ही शायद पढ़ी होगी आपने, या अगर पढ़ा भी हो तो सिर्फ थोड़ा सा हाउ नो करवाया गया होगा कि क्या होती है क्या नहीं होती। लेकिन अब आपको कोटिंग के पूरे पूरे एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे। सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने केमिस्ट्री में ये बहुत बार डिटेल में बताई, फिज़िक्स में और बायोलॉजी में भी, ठीक है। मैं आपको आखिर के अंदर तमाम की तमाम चार बुक्स दिखा दूँगा। इससे पहले मैंने तीन बुक्स के PDF शेयर कर दिए हैं, आप लिखिएगा बायोलॉजी प्रैक्टिकल जर्नल ME इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, PDF है, डाउनलोड कर लेना। फिजिक्स प्रैक्टिकल जर्नल ME इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, लेंगे डाउनलोड करना, गूगल सर्च में लिखना या यूट्यूब पर जाके लिख देना यूट्यूब सर्च में। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जर्नल ME इंग्लिश सेंटर क्लास 10 लिखना, वीडियो मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। सेफ्टी, अगर सेफ रहोगे तो खुश भी रहोगे, काम भी कर सकोगे और अच्छा अच्छा परफॉर्म कर सकोगे ना, और खुदा ना खास्ता सेफ नहीं रहोगे तो मुश्किल होगी। अब मैं बोलूँ सेफ्टी कंप्यूटर लैब में कहाँ से आ गई। देखो, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको हर उस ख़तरे से आगाह करूँ जो कि आपको नुकसान दे सकता है। अब आप बोलोगे सर ये सेफ्टी कहाँ से आ गई, कंप्यूटर हम तो घर पर भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या सेफ्टी का ध्यान रखना, मैं बताता हूँ। कंप्यूटर लैब में खाने पीने की चीज़ लेके नहीं जाना, कंप्यूटर लैब में लिक्विड बिल्कुल भी लेके नहीं जाना, पानी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, मिल्क शेक कुछ भी लेके नहीं जाना। केमिस्ट्री लैब में माउस के साथ, कीबोर्ड के साथ, कंप्यूटर लैब में माउस के साथ, कीबोर्ड के साथ, मॉनिटर के साथ, CPU के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना। कंप्यूटर लैब में कोई भी तार अपनी मर्ज़ी से स्विच ना करना। कंप्यूटर लैब में किसी किस्म की USB अपनी पर्सनल नहीं लगाना। कंप्यूटर लैब में किसी किस्म का SD कार्ड आपने नहीं लगाना। कंप्यूटर लैब में आपने अपना मोबाइल कनेक्ट नहीं करना। कंप्यूटर लैब में आपने अपना ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करना। कंप्यूटर लैब में आपने हॉटस्पॉट, अपना वाईफाई कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं करना। कंप्यूटर लैब में आपने अपने जानबूझ के फोल्डर क्रिएट नहीं करने हैं। कंप्यूटर लैब में आपने कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं करनी है। कंप्यूटर लैब में आपने जो है वो किसी किस्म की कोई फाइल उड़ानी नहीं है। कंप्यूटर लैब में आपने जो है वो कंप्यूटर को बार बार शट डाउन या ऑन नहीं करना। कंप्यूटर लैब में जब कंप्यूटर यूज़ कर लो तो कंप्यूटर को शट डाउन करना है। कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर की जो क्लास टीचर होंगी या कंप्यूटर की जो प्रैक्टिकल टीचर हैं उनकी हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। कंप्यूटर लैब में किसी भी चीज़ पर पंच नहीं करना है। कंप्यूटर लैब में किसी भी चीज़ पर ज़ोर ज़ोर से नहीं मारना है। कंप्यूटर लैब में किसी किस्म की मासी मजाक नहीं करना है। इस चीज़ का बस ध्यान रखना, बाकी बात समझ जाओगे। सेफ्टी का ध्यान रखा करो। देखो, कंप्यूटर्स महंगे आते हैं और अब तो हाई जो है वो आपको स्पीड कंप्यूटर और हाई जो है वो प्रोसेसिंग कंप्यूटर चाहिए होते हैं इन प्रैक्टिकल्स को करने के लिए। ये Pentium 4, Pentium 2 पे या Pentium 3 पे या Core 2 पे होने वाले प्रैक्टिकल्स नहीं है। Core 2 पे तो चलो फिर भी हो जाएंगे, Pentium 4 पे तो नहीं होंगे। तो अब ये महंगे आते हैं PC और प्रोसेसर, तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो कंप्यूटरों का भी ध्यान रखना है, ख़राब ना हो, इस्तेमाल करके शट डाउन कर देना है टीचर से पूछकर, और अपने जो फोल्डर्स हैं वो बनाकर उसी में काम करना है, हर फोल्डर में नहीं घुसना। ये बात याद रखना, एथिकल स्टूडेंट बनो, एथिक्स लाओ अपने अंदर, ठीक है। चलो अब आ जाओ, बात सुनते हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो, अच्छा भाई, कोटिंग की एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर आपके पास। अच्छा, प्राइस तो मैंने बताई नहीं इसकी, कहाँ है, हाँ प्राइस इसकी वही है जो कि केमिस्ट्री की बुक थी, केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल जर्नल की थी, ₹140, ठीक है। और मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, आप मार्केट से जाके बाय करोगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द ME एक्सपेरिमेंट लैब पर आपको एक ME इंग्लिश सेंटर पे एक डिपार्टमेंट हम बना रहे हैं जिसमें हम आपको कोर्स प्रोवाइड करा करेंगे। यानी अगर आपको कोर्स हमसे बाय करना हो तो हम मार्केट से थोड़े कम रेट पर आपको बुक्स प्रोवाइड कर दिया करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट होल सेलर से बाय कर कोई रिटेल प्राइस ना रख कर डायरेक्ट आप तक पहुँचाएंगे। तो वो जब शुरू होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, अभी शुरू नहीं हुआ है, जिसमें आपको तमाम प्रैक्टिकल जर्नल्स, नोट्स, बुक, कॉपियां, पेंसिल सब मिल जाया करेगा। पूरा एक ऐप बना देंगे हम अपना, जो भी आपको चाहिए हो ना सेलेक्ट करना, हम आपको घर पे लाके दे देंगे कि बेटा ये आपने ऑर्डर किया था, आपका सामान आ गया है, घर बैठे बैठे तमाम ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी आपको, तो और क्या चाहिए बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ, इस पर बात करते हैं। तो आपके पास क्या है, आपके पास जो है यहाँ पर 32 एक्टिविटीज़ हैं। 32 एक्टिविटीज़ में आपने क्या करना है, आपने C++ चलानी है, आपने पाइथन तो नहीं चलानी होगी, आपने C++ चलानी है, आपने कोटिंग करनी है,
कोटिंग से क्या करना है कि आपने मुख्तलिफ एडिशन वाले कोड्स बनाने हैं, एडिशन वाले प्रोग्राम, सब्ट्रैक्शन वाले प्रोग्राम, यानी आप कोई भी दो नंबर दोगे कंप्यूटर को, आपने ऐसा कोड बनाया होगा, आप कोई भी दो नंबर दोगे कंप्यूटर को वो सब्ट्रैक्ट करके बता देगा, आप कोई भी दो नंबर दोगे कंप्यूटर को वो ऐड करके बता देगा। तो ये प्रोग्राम आप ख़ुद बनाओगे, आसान होंगे, ये ख़ुद बनाओगे, ये आपका टीचर क्लास का आपको सिखाएगा। मैं अगर कंप्यूटर पढ़ाता तो मैं भी सिखाता, लेकिन मैं नहीं सिखाऊंगा अभी आपको। वाइवा एग्ज़ाम, वाइवा वॉक्स इसमें भी होगा, वाइवा एग्ज़ाम ज़रूर होगा, याद रखना। देखो वाइवा एग्ज़ाम में फिर बता रहा हूँ, लिख के नहीं जाना, आपने क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, नॉलेज लेनी है। फिर टीचर आपसे सवाल कर लेगा कि C++ क्यों यूज़ की जाती है, तो आप बताएंगे C++ प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ की जाती है। ये कंप्यूटर और इंसान के दरमियान एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंसान कंप्यूटर को बताता है कि आपने ये काम परफॉर्म करना है, तो कंप्यूटर वो काम परफॉर्म कर पाता है। क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, कंप्यूटर को मैं बोलूँ कि तेज़ चलो वो नहीं चल सकता। अगर कंप्यूटर में कुछ कोड्स ऐसे रखे हुए हैं जिसको डालने से कंप्यूटर तेज़ चलता है तो वो चलेगा। तो कंप्यूटर बाइनरी में समझता है, तो ये लैंग्वेज जो है वो कंपाइलर के साथ काम करती है। बहुत इसकी डिटेल है, बड़ी ही ज़बरदस्त लैंग्वेज है। और आप साइंटिस्ट बनना चाहें तो कंप्यूटर की फील्ड में भी बन सकते हैं, ये भी एक साइंस है आपके पास। और आपको एक मज़े की बात बताऊं कि यूनिवर्सिटीज़ में, ख़ास तौर पर सिंध में या पूरे पाकिस्तान में ही कह लूँ, तो कंप्यूटर की जो फील्ड्स होती है ना, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर डेटा इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, NED की हो गई, फास्ट की हो गई, UBIT की हो गई, नस्ट की हो गई, प्यास की हो गई, ये फ़ौरन बंद हो जाती हैं। और ये पता है कितने पे बंद हो रही होती हैं, समझ लो डॉक्टर के बाद जो सबसे हाई फाई फील्ड चल रही है ना अभी पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, वो कंप्यूटर की चल रही है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग चल रही है। कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी इंजीनियरिंग है वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज पे बंद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 95 से शुरू करो तो 980 के अंदर अंदर ये बंद हो जाती हैं। बहुत कम बच्चे हैं जिनका 74-75% हो तो उनका कंप्यूटर फील्ड में एडमिशन हो जाए, बहुत कम मिलेंगे। और अगर वो होंगे भी तो सेल्फ फाइनेंस के होंगे, स्पॉन्सर्स के होंगे, या जो है वो कोटा की सीटों पर होंगे। लेकिन अगर जो मेरिट होता है ना, जो रेगुलर सीट्स होती है, उस पर ये बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं फील्ड्स। तो अच्छी तैयारी करो बहुत, अगर कंप्यूटर की फील्ड में जाना है तो। ठीक है बच्चों, तो तमाम चीज़ें बता दी, सेफ्टी का बता दिया, उसका ज़रा ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ये जो कोड्स, बड़े बड़े कोड्स हैं ना, ये आपको आपका टीचर कंप्यूटर पे टाइप कराएगा। ठीक है, हो सकता है कि कंप्यूटर ये एज इट इज़ टीचर पे लिख, टीचर जो है ये कंप्यूटर पे एज इट इज़ लिख कर स्लाइड चला दे या बोर्ड पर लिख दे, वो टीचर के ऊपर है। आपके पास ये प्रैक्टिकल बुक होगी, इससे देखकर आप कोड लिखते रहोगे, लेकिन हर कोड को लिखने का एक तरीका है। अगर आपने कोड लिखते वक्त ये साइन लगाना रह गए तो आपका कोड जितना भी अच्छा हो, जितना भी बड़ा हो, काम नहीं करेगा। याद रखना, काम नहीं करेगा। तो हर एक डॉट, हर एक नुक्ते को समझ जाना। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है कराची, मैंने दो नुक्ते लगा दिए, तीसरा नुक्ता लगाना भूल गया, फिर भी आप समझ जाओगे कि लिखने वाला कराची लिखना चाह रहा था। लेकिन अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात करो ना, आप लिखना चाह रहे हो कराची, अगर आपने तीन नुक्ते नहीं लगाए, दो ही लगाए हैं, और कंप्यूटर में ये ऐसे इंसर्ट है, ऐसे नहीं है, तो कंप्यूटर बोलेगा ऐसा कोई वर्ड नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। तो तीसरा नुक्ता लगाना लाजमी होगा। तो कंप्यूटर एक एक डॉट को बड़ा बगौर देखता है, बहुत गौर से देखता है। कंप्यूटर इतना सफिशिएंट नहीं है जितने हम हैं, मतलब कंप्यूटर हाईली टास्किंग है, हाई स्पीड पे काम कर रहा है, लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं है जितना हम है। हम चीज़ों को देख के समझ सकते हैं कि ये शायद ये होगा, लेकिन कंप्यूटर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है जो कि समझ सके कि शायद कहने वाला ये कह रहा है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। PDF डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लो। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, ख़ास दुआओं में याद रखना, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, कुछ ना समझ में आओ पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।